विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा संभव मानी जा रही है। चंडीगढ़ जाने के दौरान मुलाकात हुई है। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। चिराग पासवान की मुलाकात की जो फोटो है वो भी सामने आई है। देखिए अभी तक जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मारा जा रहा है, जो चर्चा हो रही है, उसके हिसाब से एलजेपी आरवी को एक सीट मिलनी है। लेकिन इस मसले पर और क्या बातचीत हुई है, सीटों को लेकर के क्या कुछ बार्गेनिंग भी की गई है, चिराग पासवान की तरफ से कोई प्रेशर भी बनाया गया है, बहरहाल उसकी ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर ही ये चर्चा हुई है। कौन सी सीट होगी, कितनी सीट होगी, इसको लेकर के बातचीत जो है वो की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस बीच यह चिराग पासवान की मुलाकात की पोस्ट सामने आई है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, तस्वीर देख पा रहे हैं, दोनों नेता एक साथ बैठे हुए हैं, क्या बातचीत हुई होगी सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है, जो अमित शाह से मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते चिराग पासवान की, उस मुलाकात में चिराग पासवान, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान ने झारखंड के लिए अपने लिए सीटें मांगी थी। और चिराग पासवान का तर्क ये है कि पिछली बार चुनाव में, विधानसभा जब चुनाव हो रहा था, एक सीट मिली थी उनकी पार्टी को जब लोजपा एक साथ थी, दो धड़े नहीं हुए थे। लेकिन अब चूंकि दो धड़ों में पार्टी बट गई है, एलजेपी रामविलास अलग है और प्रसोती पारस नेतृत्व वाली पार्टी अलग है, फिर भी चूंकि पांच सांसद हैं और सभी जो पांचों सांसदों को टिकट मिला था लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़े थे, तो उस आधार पर असली लोजपा का दावा कर रहे हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि पिछली बार की ही तर्ज पर इस बार भी हमें विधानसभा चुनाव में सीटें मिलनी चाहिए, तो कम से कम एक सीट उन्हें मिल सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। और उसी के कड़ी में ये देखा जाना चाहिए, आज जो मुलाकात हो रही है, जब नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं तो वहां पर चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है और इस बात की उम्मीद की जा रही है आज से कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो बातचीत करने की कोशिश की गई है, मसले को सुलझाने की कवायद की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए रांची से बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 55 से 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा की थी, जिस पर मुहर लगाई गई थी और माना यह जा रहा है कि जो पहली लिस्ट है वो सामने आज आ जाएगी। तो देखिए बीजेपी की पहली जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और इसके साथ साथ बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं संभावित सीटों पर, उसकी भी एक लिस्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो न्यूज 18 के पास है, जो चर्चाएं चल रही है। हालांकि ये नाम संभावित है, लेकिन इन सबके बीच देखिए खिचड़ी की अगर बात करें या फिर बाकी राजमहल, सनंत ओझा, धनबाद से राजसिन्हा, गुड्डा समित मंडल, ऐसे वो कई नाम है जो संभावित है। और खास करके जो संभावित नाम है उनकी भी धड़कने जो है वो बढ़ी हुई है कि क्या जो पहली लिस्ट जारी होती है उसमें उनका नाम आता है नहीं आता है। उन्होंने सारे सीटों पर जिन्हें हमें लड़ना है मंथन कर लिया है और किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है, आज हो सकती है, कल हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है और हमारे गठबंधन का भी खाका बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है। देखिए इस पर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो यह है कि ये जो सरकार, जो झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना है। तो आज से जदयू बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम अंतिम समय तक कोशिश कर रहे हैं कि लोजपा भी अगर हमारे अलायंस में आ जाए तो बेहतर होता। बहरहाल हमसे ज़्यादा जनता उत्साहित है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो हमारे यहाँ नामों पर चर्चाएँ हो चुकी हैं, बस सूची आना बाकी है। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आएंगे।